ओवरवेट है, यानी आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा चबी हैं, आपके ऊपर कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाय, आई एम पूजा एंड वेलकम अगेन ऑन माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब डाउन बिलो एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 15 टिप्स, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा चबी दिखते हैं और आपके ऊपर कोई कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप अगर इन चीज़ों को ध्यान में रख के, इन सारी टिप्स को ध्यान में रख के कपड़े बुटीक से बनवा रही हैं या फिर रेडीमेड मार्केट से भी ले रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उन कपड़ों में गॉर्जियस लगेंगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। तो मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो पोस्ट की थी जो कि बहुत ज़्यादा स्लिम गर्ल्स के लिए था, कि वो किस तरीके से कपड़े पहने, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी ड्रेसिंग टिप्स थी। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, हम कोई भी कपड़े पहनते तो हम पे अच्छा नहीं लगता है, हम बहुत ज़्यादा चबी लगते हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो मैंने कुछ दिनों पहले अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने शेयर किया था कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी पहले। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 10th आई यूज़ टू बी वेरी चबी, और मैं कहीं भी जाती थी बहुत अनकॉन्फिडेंट फील करती थी, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता था कि किसी गैदरिंग में जाना या फिर किसी पार्टी में जाना। तो मैंने बहुत सारे लोग मुझे जब बोलते थे तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ आने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अपना थोड़ा वेट कम किया था। अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है, स्टिल आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको मजाक बनाते हैं, लोग आपके कपड़े के या फिर स्टाइलिंग टिप्स को लेके बहुत सारी बातें करते हैं कि आप पे कोई भी कपड़ा नहीं अच्छा लग रहा है, आप चाहे जैसे जो भी पहन लें। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, एक पेन और पेपर लेके सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें अच्छे से, जिसे आपको कभी भी जब आप कपड़े लें या फिर मार्केट से बनवाने जाएं तो आपको बिल्कुल भी उसमें प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप स्टाइल करा सकें और जब भी आप उसको कैरी करें तो आप उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो माय टिप नंबर 1 कि आपको कभी भी स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनने हैं। आप कोई ड्रेस पहन रही हैं, कोई सूट पहन रही हैं या फिर कोई आप जंप सूट पहन रही हैं, कोई टॉप पहन रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कभी भी स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं, तो आपके आर्म्स, अगर आप स्लीवलेस पहनते हैं तो आर्म्स बहुत ज़्यादा उसमें हाईलाइट होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर वो ड्रेस अच्छी नहीं लगती है और आपको, आपका लोग मजाक भी बनाने लगते हैं। तो आपको बिल्कुल ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कोई भी स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनने हैं। आप हमेशा या तो 3-4 स्लीव्स पहने या तो फिर आप फुल स्लीव्स पहने, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगेंगी और आपका लोग मजाक भी नहीं बनाएंगे। तो मेरी सेकेंड टिप उन लड़कियों के लिए है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और उन्हें कुर्ते पहनना बहुत पसंद है। यस, वो सलवार सूट पहनती हैं, पंजाबी सूट पहनती हैं और कुर्ते डालती हैं। तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपको कभी भी शॉर्ट कुर्ते नहीं बनवाने हैं। शॉर्ट कुर्ते की वजह से आपकी थाइज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आप कोशिश करें कि हमेशा नी से नीचे तक आप कुर्ती बनवाएं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगेंगी, आपका थोड़ा स्लिम लुक आएगा और आपके कर्व्स अच्छे से हाईलाइट होंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। तो कभी भी आप शॉर्ट कुर्ते ना बनवाएं, हमेशा कोशिश करें कि लॉन्ग कुर्ते बनवाएं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगेंगी। सो टिप नंबर 3 कि आपको कभी भी लाइट कलर की ड्रेसेस नहीं पहननी है। यस, आप हमेशा कोशिश करें डार्क कलर ड्रेसेस की। आप कोई ड्रेस पहन रही हैं या फिर कोई कुर्ता पहन रही हैं या फिर आप कोई जंपसूट पहन रही हैं, कोई स्टाइलिश सा टॉप पहन रही हैं, तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप डार्क कलर के पहनें, हमेशा लाइट कलर के अवॉइड करें। लाइट कलर में आपका क्या होता है, आपका बॉडी टाइप बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चबी लगने लगते हैं। अगर आप डार्क कलर की ड्रेसेस पहनेंगे तो आप उसमें आपका जो शेप है वो थोड़ा छुप जाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा स्टाइलिश लगेंगी, थोड़ा पतली लगेंगी और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगी। किसी भी पार्टी में आप जाएंगी तो आप बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगेंगी। सो टिप नंबर 4 है कि अगर आप लाइनिंग वाले कुर्ते पहन रही हैं या फिर टॉप पहन रही हैं या फिर ड्रेस पहन रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि उसमें सारी लाइनिंग वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस में वो ना हो। हॉरिजॉन्टल लाइन और आपको ब्रॉड दिखा सकती हैं, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था। अगर आप बहुत ज़्यादा पतली हैं तो आप हमेशा हॉरिजॉन्टल में, जिससे आप थोड़ा ब्रॉड लगें। तो अगर आप हेल्दी हैं तो आप हमेशा वर्टिकल लाइन में ड्रेस लें, जिसकी वजह से आपका लुक थोड़ा पतला आएगा, आपका बॉडी टाइप थोड़ा पतला लगेगा
और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी और बहुत ज़्यादा स्लिम भी लगेंगी और बहुत ज़्यादा गॉर्जियस भी लगेंगी। तो टिप नंबर 5 है कि आप कभी भी आपको डीप नेक नहीं पहनना है। अगर आप डीप नेक पहनेंगी तो उसमें आपका नेक और उसमें आपका शोल्डर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, बहुत ज़्यादा वाइड लगता है, जिसकी वजह से आप और चबी लगने लगते हैं, आप बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लगते हैं। तो ऑल गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा चबी हैं उनको हमेशा अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा डीप नेक। आप राउंड नेक में सिलवा सकती हैं कुर्ते, या फिर अगर आप मार्केट से ले रही हैं, टॉप ले रही हैं या फिर ड्रेस ले रही हैं तो आप चाइनीज़ कॉलर में ले सकती हैं। चाइनीज़ कॉलर में आपका लुक वैसे भी बहुत ज़्यादा पतला दिखता है, आपकी नेक बहुत ज़्यादा पतली दिखती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें कि आपको कभी भी डीप नेक नहीं पहनना है अगर आप चबी हैं तो। तो टिप नंबर 6 है कि कभी भी आपको बहुत ज़्यादा फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर आप ओवरवेट हैं, आप चबी दिखते हैं, तो आपको अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा फिटेड क्लोथ्स। अगर आप चाहती हैं कि आप अट्रैक्टिव लगें तो आप हमेशा थोड़ा लूज़ कपड़े पहनें। मैं ये नहीं बोलती बहुत ज़्यादा लूज़ पहनना है, बहुत ज़्यादा लूज़ पहनेंगे तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा हेल्दी दिख सकते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा सा लूज़ हो, जिससे आपका बॉडी स्ट्रक्चर कम दिखे, कम हाईलाइट हो और आप थोड़ा पतले लगें, आप थोड़ा प्रेजेंटेबल लगें, जिसकी वजह से अगर आप कहीं पार्टी में जाती हैं, इवेंट में जाती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और गॉर्जियस लगे। सो माय टिप नंबर 7, डू नॉट वेयर टू मच फ्लेयर ड्रेसेस। अगर आप ओवरवेट हैं, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं, तो आपको अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा फ्लेयर ड्रेसेस, जैसे अनारकली। अनारकली बहुत ज़्यादा हैवी होती है, बहुत ज़्यादा घेर होता है उसमें, जिसकी वजह से अगर आप उसको कैरी करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे लगने लगते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लेयर ड्रेसेस अवॉइड करनी है। टॉप भी आते हैं जो नीचे से फ्लेयर होते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। आप ट्राई करें कि थोड़ा सा लूज़ हो और फिटिंग के क्लोथ हों, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें और बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगे। तो आपको अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा फ्लेयर ड्रेसेस। टिप नंबर 8 है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रिंट्स के कपड़े अवॉइड करें, या फिर आप एम्ब्रॉयडरी के कपड़े पहन रही हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें हैवी एम्ब्रॉयडरी ना हो, यानी बहुत बड़ी बड़ी एम्ब्रॉयडरी या बड़े बड़े प्रिंट्स की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि स्मॉल एम्ब्रॉयडरी या फिर स्मॉल प्रिंट्स के कपड़े पहने, टॉप पहने, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगेंगी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। आपका बॉडी स्ट्रक्चर उसमें कम हाईलाइट होगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा स्लिम भी लगेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। टिप नंबर 9 है कि आपको अवॉइड करना है कॉटन के प्लाजो। यस, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कॉटन, तो मैंने सोचा ये टिप आपके साथ शेयर करनी है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप अवॉइड करें कॉटन के प्लाजो। आप नायलॉन्स पे ले सकते हैं प्लाजो, उसमें बहुत अच्छा फॉल आता है और आप उसमें थोड़ा स्लिम दिखते हैं। आपके बॉडी स्ट्रक्चर यानी आपके थाइज़ या आपके पैर उसमें थोड़ा पतले लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्लिम लगते हैं उसमें। तो आप हमेशा कॉटन के प्लाजो अवॉइड करें, आप हमेशा नायलॉन्स के कपड़े लें, नायलॉन्स के आप प्लाजो लें, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फॉल मिलेगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर उसमें कम हाईलाइट होगा और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। टिप नंबर 10 में मैं बात करूंगी आपके ड्रेस फैब्रिक की। यस, आप कैसा फैब्रिक लें जिसकी वजह से आप थोड़ा कम हेल्दी दिखें, आप थोड़ा अट्रैक्टिव दिखें। तो आपको हमेशा अवॉइड करना है लाइक कॉटन, और आपको सिल्क अवॉइड करना है। आपको पहनने जैसे शिफॉन में पहन सकती हैं आप, जॉर्जेट में पहन सकती हैं, और आप पहन सकती हैं नायलॉन्स के कपड़े, जिसकी वजह से वो थोड़ा आपकी बॉडी से थोड़ा फिटेड आते हैं और आपको थोड़ा देते हैं स्मार्ट लुक, बहुत ज़्यादा स्लिम लुक देते हैं। तो आपको कॉटन और आपको सिल्क अवॉइड करना है, और आपको क्रेप में लेना है, और आप ले सकती हैं शिफॉन के कपड़े और नायलॉन्स के कपड़े, जिसकी वजह से आप उसमें थोड़ा पतली लगेंगी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर उसमें छुप जाएगा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। टिप नंबर 11 है, यू कैन वेयर लॉन्ग स्ट्रक। यस, आप लॉन्ग स्ट्रक पहन सकती हैं, जिसकी वजह से आप उसमें बहुत ज़्यादा स्लिम लगेंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी हैं, आप कोई भी कपड़े पहनती हैं तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर उसमें अच्छा नहीं लगता है, तो आप पहन सकती हैं लॉन्ग स्ट्रक। यस, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये, और बहुत सारी गर्ल्स वुमेन पहनती हैं, साड़ी के ऊपर भी स्ट्रक पहनती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती हैं। तो आप अगर चबी हैं, आपको स्मार्ट लुक चाहिए, तो आप कैरी कर सकते हैं श्रग, आप टॉप के साथ, ड्रेस के साथ और साड़ी के साथ इनफैक्ट कर सकते हैं उसको ट्राई। बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है, बहुत ज़्यादा पतला दिखाता है और आप बहुत ज़्यादा उसमें अट्रैक्टिव लगते हैं। तो मेरी टिप नंबर 12 उन लड़कियों के लिए है जो एथनिक पहनना पसंद करती हैं, यानी वो कुर्ते और बहुत ज़्यादा सूट पहनना पसंद करती हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा स्ट्रेट कुर्ती बनवाएं, जिसकी वजह से आप उसमें थोड़ा स्लिम लगते हैं। बट आपको कभी भी ए लाइन के कुर्ते नहीं बनवाने हैं,
ए लाइन के कुर्ते में आप थोड़ा हैवी लग सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा चबी दिख सकते हैं, तो आप हमेशा कोशिश करें आपको एक स्ट्रेट कुर्ती पहननी है जिसके साथ आप कैरी कर सकती हैं स्मार्ट सी स्ट्रेट पैंट, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गॉर्जियस और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी और आपका बॉडी स्ट्रक्चर उसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा स्लिम लगेंगे। सो माय टिप नंबर 13 उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा टॉप और जीन्स पहनना पसंद करती हैं, तो आपको कभी भी क्रॉप टॉप नहीं पहनना है। यस, फिटेड टॉप्स, क्रॉप टॉप आपको अवॉइड करना है। आपके आपका बस्ट एरिया और आपकी टमी बहुत ज़्यादा उसमें हाईलाइट हो सकती है, तो आपको हमेशा लॉन्ग टॉप कैरी करना है, या फिर आप नॉर्मल मीडियम साइज़ टॉप कैरी कर सकती हैं, बट आपको कभी भी क्रॉप टॉप और फिटेड टॉप अवॉइड करना है, जिसकी वजह से आपका बहुत हैवी लुक आ सकता है। और आप अगर स्ट्रेट अच्छा सा कोई मीडियम साइज़ का टॉप पहनती हैं या फिर थोड़ा सा लॉन्ग टॉप पहनती हैं, तो आप उसमें स्मार्ट लगेंगी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर उसमें छुप जाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा स्लिम लगेंगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। तो मेरी टिप नंबर 14 है कि आप पहन सकती हैं मैक्सी ड्रेस। यस, ये बहुत ज़्यादा फैशनेबल लगता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है आपको, तो आप पहन सकती हैं मैक्सी ड्रेस। अगर आपका ओवरवेट है, आप चबी दिखते हैं, तो आप बिल्कुल एक मैक्सी ड्रेस कैरी करिए, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी। आप किसी भी पार्टी में जा रही हैं या फिर आप नॉर्मल घूमने भी जा रही हैं बाहर, तो आप पहन सकती हैं मैक्सी ड्रेस, उसमें आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी और बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक आएगा आपका। तो ऑल माई गर्ल्स हु आर वेरी चबी, तो आप पहन सकती हैं मैक्सी ड्रेसेस। माई टिप नंबर 15 विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप पहन सकती हैं जंपसूट। तो ऑल माई गर्ल्स हु आर वेरी चबी, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं, ओवरवेट हैं, तो आप पहन सकती हैं जंपसूट। अगर सही तरीके से जंपसूट लिया गया हो या फिर आप जब भी मार्केट से लेने जाएं, तो आप ध्यान में रखें कि वो हमेशा डार्क कलर का हो, स्लीवलेस बिल्कुल भी ना हो, बहुत ज़्यादा डीप नेक ना हो, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा स्लिम और बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग सकती हैं। तो अगर आप पार्टी में जा रही हैं, तो आप सीक्वेंस वाले जंपसूट्स आते हैं जो कि पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप कुछ उस तरीके के कपड़े पहन सकती हैं, आप बहुत ज़्यादा उसमें अट्रैक्टिव। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और आगे से मेरी और चैनल पे और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमेशा इस पे बने रहें, अपना प्यार इस चैनल को देते रहें और सबके साथ शेयर करते रहें, और आगे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। तो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर।